वेलकम इन दिस सेशन टुडे वी डिस्कस मोर एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन वी आर जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल एंड देन शो हाउ दिस कन्वर्जन कैन बी अकम्प्लिश्ड। तो जो मैंने हमने कन्वर्जन किया था लास्ट लेक्चर में वो किया था इनफिक्स से, तो उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल और करेंगे अभी ताकि वो कॉन्सेप्ट जो हमारा था पूरी तरह से क्लियर हो जाए, और फिर करेंगे इनफिक्स से प्रीफिक्स, इनफिक्स टू, अभी पोस्टफिक्स करने वाले हैं हम, पोस्टफिक्स। जस्ट हम एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं फिर एक या दो बड़े एग्जांपल लेंगे। यह जो है हमारा ए प्लस बी, इसमें हमारा ब्रैकेट है सबसे पहले, फिर ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाय डी प्लस ई कैरेट एफ डिवाइड बाय जी। ये हमारा जो है न्यूमेरिकल है जिसको हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अब सबसे पहले जब भी हम कन्वर्जन शुरू करेंगे तो ये देखेंगे कि प्रेसिडेंसी किस ऑपरेटर की ज्यादा होगी, पहले उसी को करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले एक ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट की प्रेसिडेंसी ज्यादा होगी, फिर एक्सपोनेंट हो गया इसके हिसाब से अगर देखें तो, फिर इंटू और डिवाइड, देन ये हो गया, ये इंटू है और फिर है हमारा एक डिवाइड। ये इस तरफ से चलें तो पहले ये होगा, देन इसको करेंगे हम इंटू और डिवाइड की जो है प्रेसिडेंसी तो सेम ही है, बट एसोसिएटिविटी की अगर हम बात करें तो जो पहले आ रहा है लेफ्ट से उसको देखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले इंटू फिर डिवाइड आ रहा है, तो इसके बाद इसको करने वाले हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्सप्रेशन में, ए प्लस बी, तो इसको लिख देंगे कन्वर्जन पोस्टफिक्स होना है। पोस्टफिक्स में क्या होगा, ये पीछे चले जाएगा इन दोनों से, तो यहां बन जाएगा ए बी और ये प्लस ब्रैकेट। अब हम इसका खत्म कर लेंगे, अभी इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, अगले स्टेप में इसको हम रिप्लेस कर देंगे दूसरे नंबर से ताकि आप लोगों को क्लियरिटी बनी रहे। इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया कि ये एक्सप्रेशन कौन से सब एक्सप्रेशन से आया हुआ है। यहाँ पे सी अपॉन ये डी आ गया आपका, ठीक है, और ऐसे ही लिख देंगे पूरा। ठीक है, ये सारा ऐसे ही लिख देंगे। अब जो यहाँ एक वेरिएबल ले लेंगे हम टी, सिर्फ टेम्परेरी वेरिएबल टी ले रहे हैं और इसकी इसका नाम रख रहे हैं हम ए बी प्लस। तो यहां पे इसको रख दो टी, फिर यहां पे आपका इंटू आ जाएगा, ठीक है, ये सी डिवाइड बाय डी प्लस, पूरा एक्सप्रेशन उतार लेते हैं, अब जरूरत पड़ने वाली है हमें, ई एक्सपोनेंट एफ डिवाइड बाई जी। अगर नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपो प्रेसिडेंसी की बात करें तो अब नंबर है आपके इस एक्सप्रेशन का, तो ये टी हो गया इनटू सी डिवाइड बाय डी प्लस इसको ई और एफ, यानी ये वाला जो हमारा ऑपरेटर है इसको पीछे लेके जाने वाले हैं, ये ई हो गया आपका और ये एफ
और ये मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होनी चाहिए पहले? नहीं, इस प्रेसिडेंसी के हिसाब से चलेंगे। एक्सपोनेंट है ये, एक्सपोनेंट की हायर प्रेसिडेंसी होती है। अभी इसको पूरे को हमने ब्रैकेट में रख लिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसको भी रिप्लेस करने वाले हैं हम। जी अभी इसको मान लिया हमने एस, जो हमारा ये है ई, और ये आपका एफ और एक्सपोनेंट, इसको मान लिया एस। यहां पे एस लिख देंगे टी इनटू सी देन डिवाइड बाय डी, और इसको रख लिया प्लस, ये आपका एस और ये डिवाइड बाय जी। अब हमारे पास जो बचे वो ऑपरेटर बचे हैं, यहाँ एक तो आपका इनटू हो गया मल्टीप्लिकेशन, एक आपका डिवीजन हो गया, एक आपका प्लस हो गया। प्लस की प्रेसिडेंसी कम है, बट इन दोनों की प्रेसिडेंसी सेम है। जब किन्हीं दो ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी सेम होती है तो तब हम क्या करते हैं, हम एसोसिएटिविटी का यूज करते हैं उनमें डिसाइड करने के लिए कि किस ऑपरेटर को हम यूज करने वाले हैं। एसोसिएटिविटी का मतलब लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड से जो भी पड़ेगा पहले आप पहले उसको करेंगे। लेफ्ट साइड से अगर हम चलें तो इनटू पहले पड़ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी इनटू को इधर ले जाएंगे तो सी, और फिर ये इनटू आपका, और देन डिवाइड डी प्लस एस डिवाइड बाई जी। अब ये पूरा का पूरा हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया यहां से यहां तक। इसको हमने आर मान लिया, आर इज इक्वल टू, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए है, जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से ही करो। अगर आप उसको मैनेज कर सकते हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं उसे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, आर डिवाइड बाय डी, और ये आपका प्लस, और ये आपका एस डिवाइड बाय जी। इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, आर और डी, देन इसको डिवाइड को हम इधर ले जाते हैं। प्लस को कुछ नहीं करना क्योंकि हमने अभी सिर्फ इसको सोल्व किया, प्लस को ऐसे ही रखेंगे, और दूसरे वाला आपका ये वाला एक्सप्रेशन भी हम सोल्व कर सकते हैं यहीं पे, एस देन जी, और ये आपका डिवाइड आ गया यहाँ पे। अब एक वैल्यू तो ये होगी हमारी और दूसरी वैल्यू ये होगी, बीच में प्लस ऑपरेटर है तो प्लस को हम बाहर लेके जाने वाले हैं पीछे, दोनों के पीछे, तो वैल्यू क्यों बनेगी, आर डी डिवाइड एस जी डिवाइड देन प्लस। अब ये जो हमने वैल्यू मान के रखी थी अपनी तरफ से, इन्हें यहाँ रिप्लेस करने वाले हैं हम। आर के बदले क्या लिखा था हमने, टी सी और इनटू, ठीक है। फिर डी हमारा ऐसे ही है तो डी लिख दिया, डिवाइड एस के बदले हमने लिखा था, एस के बदले ये लिखा हुआ ई एफ कैरेट, ई एफ और ये कैरेट जी, जी ऐसे ही है तो जी को लिख दो, ठीक है। एक डिवाइड हो गया और प्लस हो गया, यहाँ तक का है ना ये हमारा एक्सप्रेशन, मैं लाइन डाल देता हूँ, ये यहाँ तक का एक्सप्रेशन है हमारा, ये पहले वाली वैल्यूज है, ये हमारा एक्सप्रेशन है जो हम कंप्यूट कर रहे हैं। ऐसी कोई वैल्यू बची जो हमने अपनी तरफ से रखी थी वो टी है, तो अभी टी को भी रिप्लेस कर देते हैं।
टी को करेंगे हम ए बी प्लस सी इंटू डी डिवाइड बाय ई एफ एक्सपोनेंट जी डिवाइड एंड प्लस, ये हमारा पूरा रिजल्ट हो गया। ये ऐसे हमने ये कंप्यूट करते जाना है, ठीक है। हमारी वैल्यू ए बी प्लस सी इंटू डी डिवाइड ई एफ कैरेट जी डिवाइड प्लस, ये हमारा हो गया आंसर। इसको मैं एक बार और बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आ जाएगा आप लोगों को समझ, ठीक है सर। जो हमारा रिजल्ट आया इसमें सर वो पोस्ट फिक्स आया या फिर प्रीफिक्स आया, इनफिक्स आया? पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स में हमने क्या करना होता है कि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उन्हें बारी बारी से प्रेसिडेंसी के हिसाब से पीछे शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है? है, जरूरी नहीं है कि जो हमारा एक्सप्रेशन हो, जैसे अगर देखा जाए तो डेफिनेशन से क्या लगता है कि जितने भी हमारी वैल्यू है, जैसे ये ए आपका बी सी और डी, इस तरह से ये पहले आ जाएं और फिर इनके ऑपरेटर्स आ जाएं, जो डेफिनेशन से लगता है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑपरेटर बीच में आ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है जब इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो रूल है उसको फॉलो करते हुए शिफ्टिंग करते हैं। कैसे करते हैं मैं दोबारा से इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि नया चीज है, एकदम बिल्कुल नई है, तो इसीलिए इसे एक बार और अच्छे से हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये a प्लस बी, ये ब्रैकेट है ना हमारा, तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंसी होती है ब्रैकेट की। यस सर। सबसे पहला जो काम करना है आपको, जब भी कन्वर्जन सीखना है तो आपको कुछ ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी, बेसिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी पता रखनी पड़ेगी। ब्रैकेट सबसे ऊपर, ये एक्सपोनेंट दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे इनटू और डिवाइड, चौथे नंबर पे प्लस और माइनस, यही बेसिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स हैं जो इसमें आने वाले हैं। ये टेबल आपको याद रखनी है, जैसी आपको ये टेबल याद हो जाएगी तो आपका 50% काम फिनिश हो जाएगा यहीं पे। अब हमने देख लिया इस एक्सप्रेशन में इनमें से कौन सी चीज पहले आई हुई है, ब्रैकेट आया हुआ है, ठीक है। तो यानी इनमें से जो सबसे ज्यादा, पूरे ब्रैकेट एक्सप्रेशन को देखने पर हमें पता चला कि ये ब्रैकेट की प्रेसिडेंसी सबसे ज्यादा है, यानी इसको हमने पहले करना है। पहले कैसे करना है कि जो ए और बी लिखा हुआ है उसके पीछे की तरफ शिफ्ट करना है प्लस। हमारे हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर ए और बी लिखा हुआ है और हमने उसको क्या करना है पोस्टफिक्स में, या कोई भी ऑपरेटर लिखा हुआ है उसको पीछे शिफ्ट करते हैं, ये बन जाता है ए बी प्लस। ऐसे करना होता है, प्लस होगा तो प्लस, गुणा होगा तो गुणा, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो, हमें उसको पीछे शिफ्ट करना होता है। तो वही हमने सिंपल अपने रूल को फॉलो करते हुए जो प्लस था उसको पीछे शिफ्ट कर लिया, बचा हुआ पूरा एक्सप्रेशन आपने तो ऐसे ही लिखना है। अभी इस लाइन में हमें कुछ भी छेड़ने वाला काम नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही उतार देना है। ब्रैकेट होगा ना, हमने ऊपर से लाइन उतार देनी है। और अब क्या करना है, ये जो हमारा एक नया एक्सप्रेशन बना ये वाला, ये क्योंकि अजीब सा है इसे समझ पाना थोड़ा कठिन हो रहा है, इसको रिप्लेस कर दिया हमने टी से, टेम्परेरी वेरिएबल टी से, यहाँ पे इसके बदले टी रख लिया। अब हमारा एक्सप्रेशन हो गया इनटू सी डिवाइड बाय डी प्लस ई एक्सपोनेंट एफ डिवाइड बाय जी। अब इसमें हमारे पास ऑपरेटर कौन सा, एक तो ये, एक ये, एक प्लस और एक ये, इन चारों को चेक करा अपनी टेबल से तो दूसरे नंबर पे आता है एक्स ट, यानी अब इसका नंबर आ गया, इसके साथ दो उठा लेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको पीछे लेके चले जाना है, ई एफ और एक्सपोनेंट, ये हो गया। फिर ये अजीब सा बन गया, जैसा इसको समझ पाना थोड़ा कठिन है, तो इसके बदले हमने इसका नाम रख दिया भाई एस रख दिया, सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया एस। तो यहाँ क्या बना, ये तो टी था ही हमारा, ऊपर से लेके चल रहे हैं सी डी एस ई प्लस एस जी। अब हमारे पास ऑपरेटर बचे एक तो इनटू, एक प्लस और एक डिवाइड।
इनमें हमने देखा कि तीसरे नंबर पे जो है ये दो ऑपरेटर आ रहे हैं और फिर आ रहा है प्लस, तो प्लस का तो नंबर वैसे ही कट गया। अब बात आती है इन दोनों में से, क्योंकि उनसे पहले बड़ी प्रेसिडेंसी वाले ऑपरेटर हैं प्लस, इसलिए अभी आ ही नहीं सकता। अब इन दोनों में बराबर होगी ये पावर, तो अब क्या करेंगे हम, अगर डिवाइड पहले हो तो डिवाइड को कर लो, इनटू पहले हो तो इनटू कर लो। जब हमने इधर से चलते हुए देखा तो हमें पहले मिला इनटू, इसके साथ ये दो उठा लिए, तो टी सी इनटू इनटू को इस तरफ ले गए, ये बन गया हमारे पास डिवाइड डी प्लस एस डिवाइड जी। इसको हमने आर मान लिया, अपनी तरफ से मान रहे हैं इसको। अब हमारे पास क्या बचा, देखो एक डिवाइड यहाँ बचा, एक यहाँ बचा और एक प्लस बचा। प्लस का नंबर डिवाइड आने नहीं देगा, तो दोनों को अब हम सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ इसको बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा आर डी डिवाइड, जब इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा एस जी डिवाइड। प्लस बीच में बेचारा वैसे ही रुका हुआ है जैसी उसकी जगह थी। अब आएगा सबसे लास्ट में नंबर जो बचा हुआ है प्लस, यानी जो लाइन में सबने उसको हटा दिया, प्लस का बेचारे का नंबर आया खाने में सबसे लास्ट में। तो अब हमारे पास एक तो ये वैल्यू है, इसको अलग से मान भी सकते हैं कुछ, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसा है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं, एक वैल्यू ये है, तो इसको हमने क्या कहा, इसको तो हमने पहले लिख दिया और इसको दूसरी वैल्यू मान के यहाँ लिख दिया और प्लस को बाहर निकाल के पीछे यहाँ लगा दिया। अब यहाँ जो आर था, आर की वैल्यू क्या थी, टी सी स्टार। अब इसको वापिस अपने रिजल्ट पे ला रहे हैं, ये हो गया इनटू, यहाँ तक तो टी सी स्टार तो आर से आ गया, डी एस ही लिख लिया हमने, एस हमने अपनी तरफ से क्या मान लिया था, ई एफ, तो उसको लिख दिया, जी लिख दिया, प्लस और डिवाइड। अब ये जो टी है, टी भी हमने अपनी मर्जी से रखा था शुरू वाले में, तो कहीं भी नहीं है, यहाँ देखो कहीं टी है क्या, नहीं है, तो टी तो हमने अपनी तरफ से रखा था, तो उसकी वैल्यू ढूंढी, हमें मिली ए बी प्लस, तो ये हो गया ए बी प्लस सी इन टू डी, और इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया। ऐसे हमें करना है सारा, ये हमारा रूल है पोस्टफिक्स का, भी हम इनफिक्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले पोस्टफिक्स करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी को कोई चीज इसमें समझ ना ही हो तो मुझे, मेरे से अभी पूछ ले। अच्छा पेपर क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते हैं पेपर में, तो इसे अच्छे से लेके चलना है। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो स्टैक की हेल्प से, एक सिंपल कन्वर्जन जो आपको मिलने हैं, ये दोनों में आराम से सीख जाएंगे, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है इनकी। अब बताओ मुझे ये समझ आया क्या आप लोगों? सर अगर हमेशा एक स्टैक से इंप्लीमेंट करते आपने मतलब, तो इसमें और उसमें क्या फर्क है सर? क्या जी सर? Hello? ये तो आपने इनफिक्स से पोस्टफिक्स बना दिया ऐसे इंप्लीमेंट। हाँ। ये भी तो स्टैक की हेल्प से करा होगा सर? नहीं, ये सिंपल एक्सप्रेशन है स्टैक का। अच्छा, अगर जब सिंपल वाले दोनों मेथड हो जाएंगे ना, यस सर, आपका इनफिक्स से पोस्टफिक्स भी हो जाएगा और प्रीफिक्स भी हो जाएगा, तब फिर जो दोनों को मैं सिखाऊंगा आपको स्टैक से, उसमें टेबल बनाई जाएंगी। तो पेपर में जब आता है या तो सिंपल आएगा, उसमें ये लिखा रहेगा कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, या तो ये लिखा आएगा क्वेश्चन में, या ये लिखा आएगा कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक। अगर यूजिंग स्टैक आ गया तो जो दूसरा मेथड है उससे करेंगे, नहीं तो इसी से करेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अब एक एग्जांपल और बता देता हूँ, ये आपको घर से ट्राई करना है, होमवर्क है ये आप लोगों के लिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ। थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बताऊंगा आपको कि करना कैसे है, क्योंकि अभी नया है तो मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि करोगे कैसे, लेकिन करना आपको ये, यहाँ पे हो गया डी डिवाइड बाय ई और ये आपका एक्सपोनेंट हो गया, देन एफ ये हो गया इनटू जी ब्रैकेट वन इनटू एच,
ये आया क्वेश्चन ना तुम्हारे सामने कि गिव पोस्टफिक्स फॉर्म, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमने ये ले लिया, ये ले लो लाल कलर अच्छा है। अब हमारे पास ब्रैकेट है, कैरेट है, दूसरे नंबर पे हमने इधर लिख लिया, इनटू है जो हमारी प्रेसिडेंसी टेबल है, डिवाइड प्लस और माइनस, इनमें ज्यादातर हमारे पास सभी चीज अवेलेबल है। तो ब्रैकेट हो गया यहाँ, देखो ये एक ब्रैकेट तो ये है, एक ये है। तो हम करेंगे क्या, पहले हम इस पूरे ब्रैकेट को उठा लेंगे, पहले कंसीडर करेंगे हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये तीन हिस्सों में है। एक तो ये, एक आपका ये पूरा यहां से लेके यहां तक, और एक है आपका ये, ये तीन हैं। अब ना देखो प्लस इनटू और एक ये ब्रैकेट, किसकी ज्यादा प्रेसिडेंसी है ब्रैकेट की, तो हमारे पास क्या बच जाता है, ये बच गया कि हमें सबसे पहले इस पे करना है काम, डी इन टू सी माइनस ये हो गया डी डिवाइड ई और एक्सपोनेंट एफ। यानी हमने देख लिया कि पूरे एक्सप्रेशन से सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस से और इनटू से ज्यादा प्रेसिडेंसी है ब्रैकेट की। अब इस जब ब्रैकेट को करने शुरू करेंगे तो अंदर, तो फिर हमें एक ब्रैकेट मिल गया, यानी अब हमें यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसके भी अंदर पहुंचेंगे, यानी ये हमारा सेकंड पार्ट था, और इसके अंदर भी फिर यहाँ पहुंचेंगे हम। अब पहुंचेंगे यहाँ कहाँ, डी डिवाइड बाई ई और एक्सपोनेंट और एफ। अब हम पहुंच गए एक अंदर सब एक्सप्रेशन में। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेटर आए, एक तो डिवाइड और दूसरा कैरेट। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसको टी मान लेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे डी डिवाइड बाई टी, फिर इसको सोल्व करेंगे। जैसे ही ये पूरा आ जाएगा इसको एक आर मान लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा। हमारे पास अब क्या आ गया एक्सप्रेशन, बी इंटू सी माइनस आर। इनमें किसकी पहले होगी प्रेसिडेंसी, इंटू की, फिर इसको सोल्व कर लेंगे। जब ये पूरा सोल्व हो जाएगा तो इसको एस मान लेना। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए प्लस एस प्लस इंटू एच। अब क्या होगा हमारा, इन दोनों का होगा, और जो इनसे रिजल्ट आएगा उसके साथ ए और प्लस से होगा, ये करके। सर ये एच कहां से आया, ये बेटे इसमें दिया हुआ है ना, जी इंटू एच, यहाँ ना जी भी था इसमें, सॉरी। तो ये आपने एस कहां से ले आए, ठीक है, एक यहाँ भी ले लो सर। इसको जब हम सोल्व करेंगे ना, ये देखो ये, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे बी सी माइनस आर, ठीक है, इनटू जी, एक यहाँ जी भी है, ये इधर जी छूट गया ना, तो ये जी भी होगा इसके साथ सोल्व। पूरा उठ के जब ये सोल्व हो जाएगा इसको एस मान लेना, और इसके साथ ये इनटू एच, ये बाहर दिया हुआ है हमारे इसी में क्वेश्चन में दिया हुआ है इनटू एच। एक बार इसको करके देखो, मैं फिर कल फिर शुरुआत में इसको आपको सोल्व करके बता दूंगा, अगर नहीं हुआ तो। इजी है बड़ा, करना क्या है, जो आपने एस बोला सर, ये जो आपने एस बोला है, ये एस को मतलब एस क्यों लिखा है आपने यहाँ पे, बी इंटू सी और माइनस आर को सोल्व करके आपने एस लिखा है क्या इन सबको? आप अपनी मर्जी से रख सकते हो बेटा कुछ भी नाम, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई सा भी ले सकता है। जो भी हम काम कर रहे हैं ना उसको छोटा करने के लिए कर रहे हूँ, अपनी मर्जी से एस रख लिया, टी रख लिया, आर रख लिया, एक्स वाई जेड रख लो कुछ भी। देखो जैसे ही हमारा बेसिक एक्सप्रेशन क्या है, मैं वो बता देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये सारा ही हट गया, लो सारा ही हटा देता हूँ इसको, है ना, क्लियर कर देता हूँ।
दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या है। ए प्लस फिर ब्रैकेट बी इंटू सी माइनस डी डिवाइड बाय ई एक्सपोनेंट, ये हो गया ई के बाद एफ, फिर इसको हमने बंद कर लिया, इनटू जी, फिर एक ब्रैकेट है, फिर इनटू एच, ये है हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना पड़ेगा, इसमें से हमें सोल्व करना पड़ेगा ये वाला ब्रैकेट, यहां से ये आगे, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट सोल्व करोगे यहां से आता, बट इसके अंदर फिर से ब्रैकेट है तो यहां पे लिख लेते हैं इसको। अब जो हमें सोल्व करना है वो क्या करना है, बी इंटू सी माइनस यहां पे ब्रैकेट हो गया डी डिवाइड बाय ई एक्सपोनेंट एफ ब्रैकेट इंटू जी ये ब्रैकेट, अरे शुरुआत में हमारा ये ब्रैकेट था, कैपिटल जी है। ठीक है, अब जो है जब हम इसको सोल्व करने जाएंगे तो फिर से एक ब्रैकेट मिल गया हमें ये, तो पहले इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको करो डी ब्रैकेट में ई ये डिवाइड बाय ई और एक्सपोनेंट एफ, ये होगा। अब इनमें क्या होगा, अब यहाँ पे अब हमें देखना है, अब हमें ये देखना है इनमें प्रेसिडेंसी ज्यादा किसकी है। पहले तो ये होगा, फिर इससे हमारा ये हो गया आपका ई एफ और ये एक्सपोनेंट, ठीक है, और ये डिवाइड है ही यहाँ पे डी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको तो आप मान लो आर, अपनी मर्जी से मान रहे हैं, कुछ भी मान लो आपकी इच्छा है जो इस एक्सप्रेशन में ना हो, तो ये क्या हो जाएगा ई एफ और ये कैरेट एफ बना देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, बस ई ये हो गया ई एफ, ठीक है, तो इसको आर लिख लिया हमने। इसको सबको रिप्लेस करना पड़ेगा लास्ट में, हमें ऐसे नहीं कि हमने आर मान लिया तो आर ही छोड़ देंगे। अब इसको सोल्व कर लो तो ये क्या बनेगा, डी आर और ये आपका डिवाइड, डिवाइड आ गया यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बदले आ जाएगा ये, इसको टी मान लिया हमने अपनी तरफ से ताकि थोड़ा सा आसान सा दिखाई दे, ये इस तरह से ना दिखाई दे, टी इज इक्वल टू डी आर डिवाइड, इसको नीचे कर देता हूँ, बस हो गया। तो इसको टी रखते हैं यहाँ पे, ये बनेगा आपका बी इंटू सी माइनस, ये हमारा क्या बन गया टी, ये पूरा हमारा टी है तो टी रख दो इसके बदले, पूरे ब्रैकेट के बदले, इंटू जी, ठीक है, अब समझ आया। अब क्या करना है, अगली बार इनटू को उधर ले जाओ और इधर से ये वाला इनटू चले जाएगा, फिर माइनस को करना, फिर इसकी वैल्यू रख लेना आप एस, जो भी आएगा ना सोल, ओके, जो भी हमारा सोल आएगा उसको एस मान लेना। तो हमने मान लिया ये एस, जो भी सोल ओके आया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जो भी सोल्व होके आया। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए प्लस पूरे ब्रैकेट का आंसर है हमारा एस,
ये माना हुआ है, ठीक है, एस और इनटू जी, जी हो गया इसमें इनटू एच, ये वाला। अब इसको पीछे लेके जाएंगे यहाँ और फिर बनेगा ये आपका एस एच इनटू, और ये आपका हो गया ए प्लस। अब इस प्लस को पीछे लेके जाएंगे यहाँ, ये बनेगा ए एस एच और ये बना आपका इनटू और ये आया आपका प्लस। अब इस एस की जो भी वैल्यू आई वो रखते चले जाएंगे, ऐसे करना है इसको, ठीक है, समझ आया कैसे करना है? इसको सोल्व करके देखना, अभी मैं अगर पूरा बता दूंगा तो आपको फिर खुद करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ये इसकी वैल्यू ये रखनी है ना, ये b into c minus d divide by e, जितना आपने ये ब्रैकेट है ना, ये s की वैल्यू रखनी है ना, a के बाद s की वैल्यू। हाँ, इसको सोल्व करके जो वैल्यू आई ना उसका नाम रख दिया हमने s, ठीक है, और बाद में जो रिजल्ट आएगा उस s के बदले जो वैल्यू थी वो रख देंगे। कोई बात नहीं बेटा, करके देखना, अभी मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा चैनल पे एक बार, तो चैनल से सुनना इसमें जो भी कमियां हैं एक बार तुम्हें क्लियर हो जाएंगी, अगर कुछ चीज मिस आउट होगी तो वो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, फिर इसको करके देखना, फिर कल हम फिर कर लेंगे तो समझ आ जाएगा। इजी है बड़ा, बस एक बार एस्पेक्ट समझ आना चाहिए कि हाँ कर क्या रहे हैं, क्योंकि नया टॉपिक है ना एकदम, थोड़ा सा होता ही है शुरू शुरू में, प्रैक्टिस जब करोगे आसानी है। कल हम जो है इसमें प्रीफिक्स कर लेंगे और फिर स्टैक के थ्रू कराऊंगा, यही चीजें आराम से कर पाओगे आप, फ्री के नंबर होते हैं ये। हेलो सर, हेलो। हाँ जी, हाँ सर, इसमें जैसे डी बाई, हाँ सर बोल रहा हूँ मैं, डी बाई ई पावर एफ सर, इसमें जैसे ये आपने पहले ई की पावर एफ हमने एक जगह पर कर लिया, मतलब ई एफ और मतलब एक्सपोनेंट वो ऊपर लगा दिया, तो सर ई एफ को आपने इसमें मान लिया आर, फिर सर डी बाई आर, डी बाई आर करने के बाद मतलब फिर आएगा डी आर बाई, मतलब बाई का साइन मतलब डिवाइड का, तो सर फिर डी आर बाई हुआ आपने मान लिया टी, सर फिर सर टी फिर हो गया सर टी, मतलब जो टी डिवाइड बाई आर हो गया सर, मतलब फिर टी आर डिवाइड हो गया, तो टी आर को फिर आपने मतलब एस, अगर एस मान लिया उसे, फिर हम पूरे को एस मान लिया इसको पूरा सोल्व करके, हाँ सर इसे मतलब इसे इसको ही फिर मतलब टी डिवाइड बाय आर इसको एस मान लिया, फिर सर जब इनकी मल्टीप्लाई बार वालों की करी, मतलब ब्रैकेट में बी इंटू सी माइनस ये जी वाला रह गया बार, सर इसकी जब मल्टीप्लाई करी सर, तब फिर उसमें हमने एल मान लिया उसे, तो सर इतने मानने में मतलब जैसे वेरिएबल पे वेरिएबल मान रहे सर, तो फिर एक्यूरेट आंसर मतलब ये तो नहीं आने का ना सर, फिर पूरी वैल्यू जो मतलब नहीं, इसमें अब क्या करेंगे लास्ट में, इस वैल्यू को जैसे एस मानना था जो हमारा आया था रिजल्ट, हाँ उसको पुट करते चले जाएंगे। अच्छा सर, मतलब फिर जैसे एस तो फिर आर के बदले फिर सर ई एच, हाँ हमने एस मानना था, ये लिखना है सर, हमने जो एस मानना था सर उसमें आर बाई टी था, वो रख देंगे सर, जो हमने एस मानना था सर उसमें था टी आर बाई मतलब ये था, तो सर एस मानना था, देखो इसका ये जो ये है ना मेरे माउस को देखो, ये ना ये पूरा क्या है, पहले हमारा आएगा यहाँ बी और सी का इनटू आ जाएगा, ठीक है, इसको कर लिया हमने सोल्व, माइनस टी जी इनटू, ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे बी बी सी को सोल्व करें टी इनटू और ये माइनस इधर चले जाएगा, तो यहाँ बचेगा टी जी इनटू माइनस, ये है आपका एस। अब इसमें टी आ गया ना, तो टी को यहाँ से रिप्लेस पूरे को मानना पड़ेगा, तो इसमें फिर क्या आ गया, यहाँ आर आ गया, तो आर के बदले ये रख दोगे, बस लास्ट में वही मिल जाएगा जो एक्चुअल हमारा एक्सप्रेशन है।
हाँ क्योंकि सर मैं करके देख रहा था सर, मतलब जो आंसर है वो छोटा होता जा रहा था, मतलब मैं वेरिएबल पहले छोटा होगा उसके बाद उसे एक्सटेंड करेंगे हम, ठीक है सर, होता हुआ चले जाएगा, एक स्थिति में हम ऐसे में आ जाएंगे जब सारा एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा, फिर उसको हमने क्या करना है, वैल्यू को वापिस रखना है, जो आर है उसकी भी वैल्यू रखनी है, जो एस है उसकी भी वैल्यू रखनी है। एक काम करना, कल जो है इसमें मैं क्या करता हूँ, जो आपका वो है ना, एक बार इस क्वेश्चन को असाइनमेंट मान के गूगल जो क्लास है उस पे भेज दो करके, जैसे असाइनमेंट करते हैं ना, फोटो खींचा अपलोड कर दो, तो मैं देख लूंगा मुझे कि क्या समझ आप आ रहा है आप लोगों को, मुझे पता चल जाएगा थोड़ा सा। अभी मैं अटेंडेंस ले लूं, नहीं तो ये भाग जाएगी, टाइम भी कमी बचा, मीटिंग भी भागने को हो रही, 2 मिनट 16 सेकंड है बस बचे। रोल नंबर 27। यस सर। एक मिनट 27 कहां गया, ये रहा। इसके बाद है 5 और इसके बाद है रोल नंबर 14 और इसके बाद है अंकित 15 रोल नंबर। यस सर। अर्जुन दोनों है 18-19 24 है गीतांजलि और 27 है हर्ष, इसके बाद 35 मल्ले है और 48। चलो बहुत बढ़िया सर, मेरी 33 होगी का, कोई छूटा तो नहीं भाई। सर मेरी 14 रोल नंबर सर 33 देख लियो 33। हाँ जावेद का रह गया बेटे, और का तो 33 सर 14। यस सर 30 जावेद जावेद का दिया टटरा मार दूं 33 और तो सबका लगा दिया फिर ने सर 14 मेरा हो गया क्या, कितना 40 हाँ हाँ हो गया, लगा दिया था अंजलि है ना 14 पे, ठीक ठीक है बेटे, थैंक यू। एक बार इसको कोशिश करना और इसको चैनल पे देख भी लेना एक बार, वीडियो को क्लियर हो जाएगा, जो हमने पहले वाला एग्जांपल लिया था ना वो, उसमें वो वैल्यू वेरिएबल रखे yes, sir. तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा, इजी है। थैंक यू वेरी मच सर।